इस महिला ने खूबसूरत दिखने के लिए की थी सर्जरी पर बना दिया अपने मुंह का कबाड़ा। और कौन है ये बहरूपिया जो लोगों को बनाता है बेवकूफ और बताता है खुद को अमिताभ बच्चन और आमिर खान एक वक्त में खाया करते थे दबाकर नॉनवेज, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि वो बन गए वेगन। और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक ऐसी खतरनाक जनजाति जो अपने दुश्मनों की हड्डियों का कचुम्बर बना देती है। और मलेशिया के आसमान में ऐसा क्या रहस्यमय दिख गया कि सबकी पैंट गीली हो गई और एक ऐसी कार जिसे देखकर आप दीवाने हो जाओगे। जानने के लिए बने रहना एंड तक। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आजकल लोग अपनी हर एक चीज से असंतुष्ट हैं, खासकर अपने लुक से, और इसलिए आजकल कई लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। लेकिन इनसे मिलिए, इन्होंने तो प्लास्टिक सर्जरी करवाने की हद ही पार कर दी। इनका नाम है सहर ताबर और ये एंजेलिना जोली की बहुत बड़ी फैन है। ये उनकी तरह दिखना तो चाहती थी जिसके लिए उन्होंने ये सब सर्जरी करवाई। वैसे वो थोड़ी बहुत उनकी तरह दिखने भी लग गई थी, लेकिन फिर एक तरीके से उनके ऊपर सर्जरी का भूत सवार हो गया था। इसके बाद उन्होंने करीब 50 से भी ज्यादा सर्जरी करवाई और ये फिर कुछ ऐसी दिखने लगी। वैसे आप इनके सोशल मीडिया पर ये ज्यादातर जो फोटो देख रहे हैं ये असलियत में एडिटेड है। हाँ, ये बात तो सच है कि ये एक स्केलेटन की तरह दिखती हैं, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं कि जितना फोटो में दिख रहा है। फैक्ट नंबर टू, इनको देखकर आप भी एक ना एक बार धोखा तो खा ही जाएंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि शशिकांत पेड़वाल है। ये पुणे के रहने वाले हैं और ये काफी हद तक अमिताभ बच्चन की तरह दिखते हैं। अगर इनके साइड फेस को देखा जाए या फिर इन्हें दूर से देखा जाए तो ये बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे ही लगते हैं। वैसे तो ये कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन पार्ट टाइम इन्हें अमिताभ बच्चन कहा जाता है। इन्हें काफी वक्त से इनके दोस्त और घर वाले कहा करते थे कि ये अमिताभ बच्चन की तरह ही दिखते हैं और इसलिए ये उनकी तरह कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस बनाने लगे, जिनके वायरल होने के बाद लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि ये आदमी कितना हद तक अमिताभ बच्चन की तरह दिखता है। और यही कारण है कि आज कई लोग इन्हें छोटे मोटे शो की एंट्री में बुला लेते हैं और ये पार्ट टाइम अमिताभ बच्चन के किरदार को निभाने का काम करते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, आमिर खान एक वक्त में बहुत दबाकर नॉनवेज खाया करते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने नॉनवेज को छोड़ दिया। दरअसल ये सब इनकी पत्नी की वजह से हुआ है। आमिर खान जो हैं वो अपने कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। फिल्मों में काम करने के लिए वो कुछ वक्त में अपने वेट को कम भी कर लेते हैं और फिर उसको बढ़ा भी लेते हैं। और तभी उनकी पत्नी ने उनको एक फॉरेन के डॉक्टर का वीडियो दिखाया था जिसमें उसने बताया था कि अगर आपको ऐसे ही शेप में रहना है तो आपको भी वेगन बनना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और वेगन बने। लेकिन वेजिटेरियन और वेगन में एक फर्क होता है, जो वेजिटेरियन होते हैं वो दूध से बनी चीजें खाते हैं जैसे कि दही, आइसक्रीम, पनीर, लेकिन वही जो वेगन होते हैं वो नॉनवेज के साथ साथ दूध का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर फोर, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप पर स्थित न्यू गिनी में एक ऐसी जनजाति रहती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनका नाम है एस्मा ट्राइब। इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति कहा जाता है। इनका जो भी दुश्मन इनके कबीले के या फिर इनके गांव के आसपास आता है तो ये उसे मार देते हैं। मारने के बाद उसी के मांस को पकाया जाता है और यही काफी नहीं है तो मृतक के हड्डियों को आभूषण बनाकर पहना जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये कितने ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ मृतक की जो खोपड़ी होती है उसे तोड़कर उससे कटोरा बनाया जाता है और इसी में ये अपना खाना खाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये दूसरे लोगों को भयभीत कर सके और अपने आप की रक्षा कर सके। इनके इस खतरनाक व्यवहार की वजह से कोई भी इनके पास नहीं जाता है। फैक्ट नंबर फाइव, बकरियां जो होती हैं उन्हें सूखी घास पर रखा जाता है यानी भूसे पर, लेकिन ये उसके ऊपर टॉयलेट कर देती हैं जिसके बाद काफी ज्यादा बदबू आती है और घास गीली हो जाती है। ऐसे में बकरियां यहाँ पर बैठ भी नहीं पाती हैं और इसलिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सूखे भूसे को डाला जाता है और उसके बाद इसे बड़ी सी मशीन में डाला जाता है जिसमें रोल बर्लेट लगे होते हैं जो कि इस भूसे को काटते जाते हैं और फिर बकरियों के बीच फेंकते जाते हैं। ऐसे में ये मशीन के दूसरे ओर से चारा बाहर निकालता है ताकि बकरियां उस तरफ चली जाएं और ये अपना काम शांति से कर सके। जब सारी बकरियां उधर चली जाती हैं तब ये पूरी तरीके से अस्तबल को सुखा के भूसे से भर देता है। फैक्ट नंबर सिक्स, 17 जून 2020 में मलेशिया के आसमान में कुछ ऐसा देखा गया जिसने लोगों के मन में एक अलग ही सवाल पैदा कर दिया था और वो क्या है आज तक रहस्य बना हुआ है। आपको इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा कि आसमान में कोई तो अजीब सा जीव उड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ये क्या है और ये आसमान में इस तरीके से तैर कैसे रहा है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ज्यादातर लोग कह रहे थे कि ये किसी प्रकार का एंजल है। वहीं पर कई लोग थ्योरी दे रहे थे कि हो सकता है कि ये आसमान में उड़ता हुआ कोई प्लास्टिक का बड़ा सा कपड़ा हो, लेकिन ये होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये जो भी चीज है इसके हाथ और पैर जैसी चीजें भी दिख रही है और आसमान में इतना बड़ा दिख रहा है तो यकीनन इसका साइज विशालकाय होगा। कई लोग इस वीडियो को नकली भी कह रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वीडियो में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की गई है और वहाँ के कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से भी देखा है। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों एलिफेंट के बारे में तो एक काफी ज्यादा फैसिनेटिंग फैक्ट है कि अगर एलिफेंट का बच्चा डे टाइम में बाहर आ रहा है तो एलिफेंट अपनी प्रेगनेंसी को कुछ घंटे के लिए स्किप कर देती है, क्योंकि एलिफेंट अक्सर अपने बच्चे को जन्म रात में ही देना पसंद करते हैं। इसकी वजह तो किसी को नहीं पता है, बट कई रिसर्च में ये पाया गया है कि आमतौर पर एलिफेंट बच्चे को अपने पेट में करीब 22 महीने तक रखते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, हम इंसानों के लिए तो 9 महीना ही बहुत ज्यादा मुश्किल।
मुश्किल होता है। सोचिए इन एलिफेंट के बारे में जो कि 22 महीने तक बेबी एलिफेंट को पेट में रखते हैं, और तो और जब बेबी एलिफेंट बॉर्न होता है तो उसका वजन 250 पाउंड होता है यानी कि 113 किलोग्राम, और बेबी एलिफेंट एक प्लास्टिक थैली टाइप के मेम्ब्रेन में बॉर्न होता है। फिर कुछ घंटों के बाद वो चलने लगता है, तब तक बाकी एलिफेंट उसे प्रोटेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 8, कार्ल मानकिंग नाम की एक कार है जिसको डायमंड कट एच्ड कार भी कहा जाता है। इस कार में कई ऐसे फीचर्स है जो आपने कभी भी सोचे नहीं होंगे। कार्लमन कार काफी ज्यादा ही खूबसूरत है और इसका मेड ब्लैक कलर, इसके पावर पे 4 चांद लगाता है। ये कार कैसे भी जगह चल जाती है और इसके अंदर की लग्जरी की तो मैं क्या ही बात करूं। इसके अंदर कई फीचर्स मिलते हैं, पर सबसे कमाल का फीचर इसका ये है कि ये रेडार पे शो नहीं होती और ना ही इंफ्रारेड कैमरा में। ये फाइबर से बनी है और अपने बाहर हीट को नहीं जाने देती, जिसकी वजह से आप इंफ्रारेड से पता नहीं लगा पाओगे कि ये कार कहां पे है, और अगर रेडार यूज करोगे तो ये उसे भी मात दे देगी, यानी कि दूर से इस कार को डिटेक्ट करना नामुमकिन है। पूरी दुनिया में ऐसी बस 9 कार मौजूद है और इसकी प्राइस है $1.9 मिलियन, जो कि बहुत ज्यादा कीमत।